दिस इज मी अमीर हमजा एंड यू गाइस आर वाचिंग हमजू पिशोरी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आज हम फिर से अनबॉक्स करने वाले हैं, फिर से नहीं, वो तो मैंने आपको जो इससे पहले जो वीडियो बनाई थी V27e की, वो तो अपकमिंग एक मॉडल था, मैंने आपको स्पेक्स बताया था। अब फिजिकली हमारे पास मॉडल आ चुका है और इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं कैसा ये मॉडल है और कैसे इसकी लुक और डिज़ाइन है। इसमें जो वेरिएंट हमारे पास आया है 8GB 256GB के साथ है। इसमें पहले जो भी वेरिएंट आते थे ई सीरीज़ में 8GB 128GB के साथ आते थे, और ये जो हमारे पास वेरिएंट है V27e में 8GB 256GB वेरिएंट है। इसमें हमारे पास दो कलर आए हैं, एक हमारे पास जो अनबॉक्स करने वाले हैं वो लेवेंडर पर्पल कलर है, और दूसरा जो कलर हमारे पास आया है वो है इसमें ब्लैक कलर। सो करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। सो सिंपल इसका बॉक्स है, जैसा कि V25e का था वैसे ही बॉक्स है, ऐसे सिल्वर टाइप का बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स को ओपन करते ही पहले हमें अपनी डिवाइस मिल जाती है, आईमी मिल जाती है। इसके साथ हमारे पास जो है कवर आ जाता है, सीलिंग को उनका जो कवर है वो कवर काफ़ी एक अच्छा कवर है, ठीक है। तो बैक पे कवर के डिज़ाइन से आपको पता चल जाएगा कि इसका कैमरा जो साइड है, कैमरा साइड काफ़ी बड़े होने वाली है। तो इसके अलावा हमारे पास जो हमारे पास चार्जर दिया गया है वीवो का 66 वॉट का हमारे पास यहाँ पे चार्जर है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, बट USB 2 Type-C केबल है। इससे पहले जो मैंने Samsung का जो अनबॉक्सिंग की थी वहाँ पे जो हमारे पास चार्जर था Type-C to Type-C केबल थी, यहाँ पे USB 2 Type-C केबल है। तो यहाँ पे जो है अब थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहिए, USB को ख़त्म कर देना चाहिए, और Samsung जो है इस चीज़ पे काफ़ी फोकस करता है कि नई चीज़ एक मार्केट में लाए। तो यहाँ पे हमारे पास केबल भी जो है वही USB 2 Type-C केबल हमारे पास यहाँ पे दी गई है। 66 वॉट का चार्जर है, तो ये चार्जर काफ़ी फास्ट होने वाला है 66 वॉट का। इसके अलावा फ़ोन को कर लेते हैं टर्न ऑन और देखते हैं फ़ोन को रैपर से रिमूव कर लेते हैं। पहले आपको इसकी डिज़ाइन लुक दिखा दूँ, क्योंकि जिस हवाले से की बात की जा रही है वो इसका डिज़ाइन है, डिज़ाइन और कैमरा सिचुएशन। तो ये आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी एक खूबसूरत टाइप का इसका डिज़ाइन है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ आपको चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी, तो ये काफ़ी इसकी खूबसूरती में इजाफा कर देता है। यहाँ पे जो अक्सर वॉलपेपर्स में आपने वो ऐसे पत्ते से वगैरह देखे होंगे, उस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये कैमरा सिचुएशन दी गई है, V23 की तरह की कैमरा सिचुएशन है, बट ये कि कैमरा है हमारे पास यहाँ पे थोड़े से बड़े कैमरे दिए गए हैं। हमारे पास यहाँ पे जो थिकनेस दी गई है लेवेंडर पर्पल कलर में, जो इसमें थिकनेस है 7.8 mm जो इसकी थिकनेस है। वेट जो है 186 ग्राम है लेवेंडर पर्पल में। अगर आप ब्लैक लेते हैं तो उसकी थिकनेस भी थोड़ी सी कम है, वो 7.7 mm है, 185 ग्राम इसका वेट है। स्क्रीन साइज़ जो है दोनों का सेम है, 6.6 इंचज इनका डिस्प्ले साइज़ हमारे पास दिया गया है, ठीक है। और फ़ोन को कर लेते हैं टर्न ऑन और हमेशा वीवो अपने फ़ोन्स के डिज़ाइन काफ़ी एक ज़बरदस्त डिज़ाइन लाता है हर फोन में, चाहे वो लो वेरिएंट हो या अप एंड वेरिएंट हो। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक अभी तक ऐसा कोई डिज़ाइन मैंने कभी किसी और फ़ोन में नहीं देखा जो इसमें दिया गया है। आप अगर और से देखें इस डिज़ाइन को तो काफ़ी एक खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है, और ये कलर भी काफ़ी खूबसूरत है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक। मोबाइल हमारे पास फाइनली टर्न ऑन हो चुका है। मोबाइल डिस्प्ले जो साइज़ है 6.6 इंचज इसका डिस्प्ले साइज़ है। इसकी जो थिकनेस है 7.8 mm इसकी थिकनेस है, और वेट जो है 185 ग्राम इसका वेट दिया गया है, ठीक है। इसमें जो डिस्प्ले दी गई है एमुलेट डिस्प्ले दी गई है, 120Hz पे ये रिफ्रेश रेट पे काम करती है। इसकी जो रेजोल्यूशन है 1080p इसकी मेन रेजोल्यूशन दी गई है, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास ये वेरिएंट है 8GB 256GB इसका वेरिएंट यहाँ पे हमारे पास दिया गया है। तो इसके डिज़ाइन आप एक दफ़ा फिर से देख लें, इसके डिज़ाइन जो है इस दफ़ा काफ़ी एक यूनिक डिज़ाइन दिया गया है, V25e से काफ़ी मुनफरिद है। और उसके कंपेरिजन करें इसका V25e का, तो उसके और इसके डिज़ाइन में काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पे हमारे पास जो फ्लैश लाइट दी गई है ये भी एक नई डिज़ाइन इसमें डाला गया है। ऐसा फ्लैश लाइट दी गई है जैसा कि लगता है कि रिंग हो, रिंग लाइट टाइप की जो है फ्लैश लाइट हमारे पास यहाँ पे दी गई है। ऑन करके देख लेते हैं फ्लैश लाइट को भी, तो फ्लैश लाइट ऑन कर लो तो कुछ ऐसा आपको फ्लैश लाइट ऑन करके ऐसा नज़र आएगी, ऐसा रिंग लाइट टाइप के फ्लैश लाइट आपको नज़र आएगी। सिंपल जो है फ्लैश लाइट रिमूव कर दी गई है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे V27e में, V27e की खूबसूरती में एक इजाफा करेगा ये फ्लैश लाइट भी रिंग टाइप की। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 32 मेगापिक्सल इसका फ्रंट कैमरा, और बैक कैमरे की बात करें तो इसका मेन कैमरा जो है हमारे पास 64 मेगापिक्सल का दिया गया है। 2 मेगापिक्सल का बूके फ्लेयर बूके कैमरा है, और 2 मेगापिक्सल का इसका जो है हमारे पास मैक्रो लेंस हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। फ्रंट कैमरा हमारे पास 32 मेगापिक्सल का है, ठीक है। और कैमरा ऑन करके चेक कर लेते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है।
हमारे पास यहाँ पे बैक कैमरे में पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी दिया गया है, नाइट मोड का ऑप्शन भी यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, पोर्ट्रेट पे एक पिक्चर दो ले लेते हैं, तो देखते हैं कैसी इसकी पिक्चर्स आती हैं। वीवो ओप्पो में जो है शुरू से ये बात है कि इन इनकी जो पिक्चर्स होती है, ठीक है, वो उसमें जो है ये लाइट और वाइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो रेयर एक कैप्चर वे रेयर फोटो कैप्चर नहीं करते हैं जैसा कि सैमसंग वगैरह होता है, ब्यूटिफिकेशन जैसा कि ज़्यादा कर लेते हैं। पर ये कि ये लोगों को पसंद भी आती हैं ऐसी पिक्चर्स, वो कहते हैं कि यार बस हम खूबसूरत देखें, पर वो जो है अपने कैमरे में ही ब्यूटिफिकेशन मोड आपको ऑन करके दे देता है, थोड़ी सी वाइटनेस ज़्यादा होती है और अपनी जो है रेयर फ़ोटो जैसी पिक्चर क्लिक करें यहाँ पे, अगर सैमसंग में क्लिक करें उस तरह की यहाँ पे नहीं होती। बट यहाँ पे कैमरा काफ़ी अच्छा है, लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और इसके जो है नाइट मोड की बात करें तो नाइट हम तो वीडियो ही ऐसे टाइम पे बना रहे हैं कि नाइट मोड आपको नहीं दिखा सकते इसमें। और जो है इसमें कैमरे में जो मेन मेन और हाई जो चीज़ें दी गई हैं वो है माइक्रो मूवी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, मोर में आ जाते हैं। मोर में हमारे पास 64 मेगापिक्सल मेन सेंसर जो ऑन करें तो आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा जो है आपको ऑन करके देगा। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ आ जाता है पैनो मोड आ जाता है। ठीक है, हमारे स्लो मोशन आ जाता है, टाइम लैप्स आ जाता है। ठीक है, डबल एक्सपोजर आ जाता है। ठीक है, हमारे पास डबल एक्सपोजर जो है आप यहाँ इससे जो है वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, व्लॉगिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं, फ्रंट और बैक डुअल वीडियो, सॉरी डुअल वीडियो पे। तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मेन कैमरा में दी गई हैं। फ्रंट कैमरा देख लेते हैं, तो फ्रंट कैमरा हमारे पास 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो उसी तरह इसमें भी जो है वो ब्यूटिफिकेशन कुछ ज़्यादा ही है, अगर आप पिक्चर लें तो वाइटनेस ज़्यादा है और क्लैरिटी भी अच्छी है, बट ये कि वो रियल जो पिक्चर होती है वो क्लिक नहीं करता, ऑटोमेटिकली आपको ब्यूटिफिकेशन थोड़ी सी ऑन करके दे देता है। तो ये थी फ्रंट और बैक कैमरा की सिचुएशन। ठीक है, बैक कैमरा फिर से मैं बता दूं आपको, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का बूके है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस यहाँ पे दिया गया है। फ्रंट कैमरा मेरे पास 32 मेगापिक्सल का यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें हमारे पास 4600 एमएएच की बैटरी दी गई है। ठीक है, 66 वाट का हमारे पास यहाँ पे अडैप्टर दिया गया है, ये एक घंटे में आपको ये मोबाइल फुल चार्ज करके देगा, 66 वाट का जो हमारे पास यहाँ पे चार्जर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें इसकी स्टोरेज के हवाले से तो 8 GB रैम, 256 GB यहाँ पे स्टोरेज दी गई है। ठीक है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है हमारे पास फन टच ओएस 13 का यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन हमारे पास लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे दिया गया है। और इसकी जो मेन चीज़ है इसका प्रोसेसर इसमें जो है हीलियो मीडियाटेक हीलियो G99 का हमारे पास यहाँ पे प्रोसेसर दिया गया है, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर कह लें, बेहतरीन नहीं बट ये कि अच्छा प्रोसेसर कह लें। अगर आप पबजी खेलते हैं तो आपको ये पबजी में ग्राफिक्स प्रोवाइड करेगा, स्मूथ में आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट प्रोवाइड करेगा, 40 FPS पे आपको पबजी ये रन करके देगा। तो नॉर्मल गेमिंग वगैरह के लिए बेस्ट है, कोई इतना खास गेमिंग यहाँ पे नहीं हो सकती, पर ये कि नॉर्मल यूज़ के लिए काफ़ी बेस्ट फ़ोन है। 120Hz की डिस्प्ले है। ठीक है, तो और नॉर्मल गेमिंग आपको अच्छी करके देगा और नॉर्मल वर्क जो है आपको बेहतरीन चलाएगा इस प्रोसेसर के हवाले से। तो ये थी इसकी मेन मेन स्पेसिफिकेशन, मैं आपको दोबारा से बता दूँ, इसके जो 8 GB रैम, 256 GB यहाँ पे स्टोरेज दी गई है। मेन कैमरा हमारे पास यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का है, फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। ठीक है, 4600 एमएएच यहाँ पे बैटरी दी गई है, 66 वाट का यहाँ पे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। सो ये थी हमारे पास वीवो V27e की अनबॉक्सिंग वीडियो। और इसकी जो रेट है आपको मैं प्राइसेस के हवाले से बता दूँ, प्राइसेस की जो है 8 GB 256 GB अगर आप लेवेंडर पर्पल कलर लेते हैं तो आपको ये मिलेगा 1,16,000 रुपये का, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, 1,16,000 रुपये का। और मैं आपको अपना शॉप का एड्रेस बता दूं, हमारी आई लिंक के नाम से शॉप है, नियर बाय बिलोर प्लाजा पेशावर सदर में है, आप यहाँ पे फिजिकली आ सकते हैं। अगर आपको कोई इसके अलावा और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप मुझसे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ये थी V27 की अनबॉक्सिंग वीडियो, आई होप आपको ये फ़ोन पसंद आया होगा। मुझे तो ये फ़ोन इनके डिज़ाइन लुक के हवाले से काफ़ी पसंद आया है, स्पेसिफिकेशन भी अच्छी है, नॉर्मल है, V25e के लिहाज से काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे डाली गई हैं। अगर आपको फ़ोन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।